विल टेक दिस क्वेश्चन नंबर वन। ये हमने मई 2018 की जो आरटीपी है, रिवीजन टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट कर रहा था, उसमें से लिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2000, आप कोई भी समझ लीजिए उसको, अल्फा लिमिटेड एक्वायर्स 80% इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ बीटा लिमिटेड। तो अल्फा लिमिटेड एक्वायरर कंपनी है और बीटा लिमिटेड एक्वायरी है, ठीक है, और 80% ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर इन एक्सचेंज फॉर कैश ऑफ ₹300। तो उसकी इन्होंने कीमत चुकाई है 300 इन कैश। ड्यू टू लीगल कंपल्सन बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैड टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बाय स्पेसिफाइड डेट। Therefore, they did not have sufficient time to market Beta Private Limited to multiple potential buyers. The management of Alpha Limited initially measures the separately recognizable identifiable assets acquired and the liabilities assumed as of the acquisition date in accordance with the requirement of Ind AS 103. The identifiable assets are measured at 500 एंड द लाइबिलिटीज एज्यूम्ड आर मेजर्ड एट 100। मतलब नेट एसेट जो है वो है 400, ठीक है। अल्फा लिमिटेड इंगेजेस एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हु डिटरमाइंड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा प्राइवेट लिमिटेड इज 84, ठीक है। वो समझ लो रूपीज लिखा है, वो उसको आपको रूपीज में लैक्स क्रोर्स जितना पढ़ना पढ़ लो आप, ठीक है। तो अपन अभी इस पे बात करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को वैल्यू करने के बारे में। हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं इंडेक्स ने। अल्फा लिमिटेड रिव्यूड द प्रोसीजर्स इट यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज एज्यूम्ड एंड टू मेजर द फेयर वैल्यू of both the non-controlling interest in Beta Private Limited and the consideration transferred after the review decided that the procedures and resulting measures were appropriate. तो ये जहां पे bargain purchase का gain आ रहा होगा, मतलब आपको acquisition सस्ते में हुआ ऐसा दिख रहा होगा, तो वहां पर ये review करने की requirement है, conditions है कि वो बार्गेन परचेस का गेन रिकॉग्नाइज करने के पहले आप एक बार उसको रिव्यू करो, पूरे जो एसेट एक्वायर्ड है, लायबिलिटी एक्वायर्ड है, उसका मेजरमेंट, उसका रिकॉग्निशन और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसके बाद भी आपको गेन दिखे तब आप उसको अकाउंट करो, बराबर। और बार्गेन परचेस के आपके पास एविडेंस रहे, मतलब ये प्रूफ रहे कि सस्ते में खरीदने के कारण है, जस्टिफाइबल रीजन है, तो वो बार्गेन परचेस का गेन जो है हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी ओसीआई में ले जाके फिर कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं, यानी इक्विटी में ले जाते हैं, अगर उस बार्गेन परचेस गेन के हमारे पास जस्टिफाइबल रीजन नहीं दिख रहे हैं तो देन हम वो गेन को सीधे इक्विटी में ले जाएंगे, मतलब उसको ओसीआई के थ्रू रूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से ये रिव्यू के बारे में उसने पैरा दिया है। Calculate the gain or loss on acquisition of Beta Private Limited and also show the journal entries for accounting of its acquisition. Also calculate the value of the non-controlling interest in Beta Private Limited on the basis of proportionate interest method if alternatively applied. So, non-controlling interest jo hai, NCI, non-controlling interest, iske measurement ke liye do option hai, at fair value on the date of acquisition, बराबर fair value on the date of acquisition, या दूसरा है at proportionate share in equity, बोला मतलब net identifiable assets of the acquiree, मतलब जो यहां पे Beta Limited है। तो आपको अगर वैसे जिन्होंने कंसोलिडेशन का AS 21 पढ़ा होगा उनके हिसाब से उनको काम में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो आप बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंसंट्रेट करो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हो तो उनको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि उसमें जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते थे
माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप इसी तरीके से निकालते थे, प्रोपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी बराबर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में प्रोपोर्शनेट शेयर। पर यहां पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए दो ऑप्शन है, एट फेयर वैल्यू यानी उसके आप इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करके निकाल सकते हो, या फिर दूसरा है प्रोपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी। अपने को यहां पे दोनों तरीके से निकाल के बताने का है, ठीक है। तो आपके लिए मेजर आइटम जो है, एक आपने 80% इंटरेस्ट एक्वायर किया है, दूसरा उसके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो 400 के हैं, मतलब 500 की लायबिलिटी 500 के एसेट 100 की लायबिलिटी, ओके। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो 20 है 20% उसकी फेयर वैल्यू 84 है, क्लियर। इस क्वेश्चन वन में हम पहले व्हेन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ठीक है। तो अपन इसकी एंट्री बनाएंगे तो उसी में अपने को गुडविल यानी कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, बार्गेन परचेस नहीं है, बार्गेन गेन नहीं है, या गेन है, तो दोनों आपको वहां पता चल जाएगा। अब वैसे तो उसने जो पूछा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह लिख करके, ये कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है बराबर, पर मैं आपकी जानकारी के लिए इसको सेपरेट बुक्स में वो क्या करेगा वो भी लिख देता हूँ बराबर, वो भी मैं लिख देता हूँ एंट्री, सो दैट दोनों की आइडिया हो जाएगी आपकी। फॉर कंसोलिडेशन, बिकॉज अब वो बीटा लिमिटेड आपकी सब्सिडियरी बन गई है, तो फॉर कंसोलिडेशन ऑफ बीटा इसके लिए आप क्या करोगे। एसेट जो एक्वायर किए वो डेबिट होंगे बराबर, तो एसेट्स की वैल्यू है 500, ये एसेट्स डेबिट हो गए। थोड़ा स्पेस डेबिट में छोड़ देते हैं, गुडविल आया तो ऐसे आएगा नहीं तो भी अपन जगह रख देते हैं। टू, आपने जो इसकी कंसिडरेशन पे की है बराबर, परचेस कंसिडरेशन वो क्रेडिट करना है, तो बेसिकली परचेस कंसिडरेशन आप यहां पे कर रहे हो तो मतलब कैश के फॉर्म में रहेगा बराबर, कुछ और दे रहे होंगे तो वो चीज रहेंगी, टू कैश बैंक अकाउंट जो अपन बोलते हैं वो। ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े डील में तो आप जब कैश बोलते हैं इसका मतलब करेंसी नोट होता नहीं, वो थ्रू बैंकिंग चैनल ही रहेगा, ठीक है। 300, तो 300 आपने कीमत चुकाई, ठीक है, वो ले लो। टू, लाइबिलिटीज एज्यूम, उसकी जितनी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो उसके एसेट आपके एसेट के साथ जुड़ जाएंगे, उसकी लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी के साथ जुड़ जाएंगे, तो आ गया। अब देखिए आपने उसके पूरे एसेट लाइबिलिटी ले लिए जबकि उसमें आपका 80% क्लेम ही है, तो जो बचा 20% है उसको भी आप इक्विटी से अलग करके दिखाते हो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से NCI। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अभी अपन फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं तो वो हो गया 84 बराबर। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो एसेट एक्वायर्ड दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, और जो कीमत आपने चुकाई या लायबिलिटी आपने एज्यूम की 300 प्लस 100 प्लस 84 जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है वो है 484, वो कितना है 484, जबकि एसेट जो है वो है 500, मतलब आपको 16 का गेन हो रहा। ये जो गेन है बार्गेन परचेस गेन, इसी को अपन कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं अल्टीमेटली थ्रू OCI, अगर उसका अपने पास बार्गेन परचेस के एविडेंस है कि यस बार्गेन परचेस में आपको सस्ता मिला है तब, नहीं तो डायरेक्टली फिर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करो 16। ये एंट्री हो गई यानी कंसोलिडेशन में उसके 500 के एसेट आपके एसेट में मिल जाएंगे और आपने जो कीमत चुकाई है उतना आपके बुक्स में से एसेट कम हो गए होंगे, लायबिलिटीज
ऐड हो जाएंगी आपकी लायबिलिटी के साथ। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखेगा और ये 16 कैपिटल रिजर्व सरप्लसेस में दिखेगा। अब इसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अल्फा, तो अगर वो सेपरेट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उस पर्पस के लिए उसकी एंट्री जो रहेगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट टू, अगेन उसका जो पैसा जा रहा है बराबर 300, ये वो एट कॉस्ट जो एक्विजिशन पे कॉस्ट है वो इसकी फेयर वैल्यू उस पर रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके बाद जो है वो आगे इसको इंडेक्स 109 के हिसाब से या तो मेजर कर सकता है, किस हिसाब से उसको डेसिग्नेट करता है, क्लासिफाई करता है वो करेगा। तो ये दोनों आपको बता दिया, कंसोलिडेशन के हिसाब से भी और सेपरेट बुक्स के हिसाब से भी, ठीक है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव, व्हेन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज मेजर्ड एज प्रोपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी बोलो या इन बोलेंगे कि इन इक्विटी बोलिए या इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, बराबर वो अब उसका अमाउंट, ये प्रोपोर्शनेट शेयर का अमाउंट -100 यानी 400, ये उसके नेट एसेट है। इसमें से 20% शेयर इनका रहेगा, इसका मतलब कितना रहेगा 80, 20% शेयर रहेगा मतलब कितना रहेगा 80, ठीक है। तो आप देखिए हम जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो वही पहले कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स अकाउंट डेबिट 500 टू कैश बैंक बोलिए, पहले से जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना आगे के ईयर में जब हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में, तो यहीं पे टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट जो रहेगा वो आपका हट जाएगा, उसकी जगह पे ये सब्सिडरी के एसेट लायबिलिटी सब आ जाएंगे। टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 80, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 80, बराबर। अब इसको बैलेंस करोगे तो ये जो गेन आ रहा है जो कैपिटल रिजर्व में अपन लेके जाएंगे वो कितना दिख रहा है 20, बराबर कितना दिख रहा है 20। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दे रहा हूं कि ये फेयर वैल्यू उन्होंने इंडिपेंडेंटली असेस की हुई है, बराबर ये उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेजर की हुई है। नहीं तो अगर हमको नहीं दिया रहता और इसकी फेयर वैल्यू निकालना है तो हम ये जो 300 की कॉस्ट हमने पे किए उसके बेसिस पे हम निकाल सकते थे। तो हम बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कब जब अगर हमको नहीं दिया होता तो 300 में हमने 80% इंटरेस्ट एक्वायर किया तो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ 20% इंटरेस्ट, इस तरीके से हम फेयर वैल्यू निकालते 75। यहां पे उसने हमको फेयर वैल्यू दिया 84 तो हम वही लेंगे, लेकिन अगर नहीं देता और हमको फेयर वैल्यू लेना होता तो हम इस तरीके से फेयर वैल्यू निकालते। ये जो फेयर वैल्यू आई 75, जनरली हम ये बोलेंगे कि
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू सम मोस्टली शुड बी लेस देन दिस। क्यों? क्योंकि आप जो खरीद रहे हो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद रहे हो, तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए आप जनरली थोड़ा सा प्रीमियम पे करते हो, तभी आपको उतना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल पाता है। तो दैट इज द प्रीमियम फॉर कंट्रोल, है ना। तो इसका मतलब आपके कंपैरिजन में जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसके हाथ में तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके शेयर की तो कीमत थोड़ी सी कम रहना चाहिए। तो जनरली अगर फेयर वैल्यू हो दी हो सकता हो 75 से कम देना था, बट खैर क्वेश्चन में 84 दिया है तो आपको 84 लेके बता दिया, अदरवाइज हम 75 लेकर के काम चला सकते थे। और यूजुअली 75 से कम रहा तो जो सस्ता मिल रहा है उसको हम बोलेंगे इट इज अ डिस्काउंट फॉर नॉन कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सेक्रीफाइस किया उन्होंने, बराबर, उसका डिस्काउंट। या आपका शेयर महंगा पड़ा, इसका मतलब दैट इज द प्रीमियम यू हैव पेड फॉर द कंट्रोल, फॉर एक्वायरिंग द कंट्रोल। लेकिन वो सिर्फ आपके एकेडमिक के लिए मैंने बता दिया, अकाउंटिंग जैसी ये की है, जो फेयर वैल्यू लेने का है आपने यहाँ पे वही फेयर वैल्यू यहाँ पर आएगी, बराबर, इसमें इसको बदलने का नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी है तो वो ले लीजिए, नहीं दी है तो आप इस तरीके से फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, बराबर, इस तरीके से आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहां पे तो आपको फेयर वैल्यू लेना नहीं है इस ऑप्शन में, तो प्रोपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी, तो उसके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट लेने का, और उसमें जितना माइनॉरिटी का यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो, ये दिस विल नॉट चेंज, दिस कंसिडरेशन विल नॉट चेंज, सिर्फ ये जो आपका एनसीआर है दैट इज गोइंग टू चेंज। उसके हिसाब से जहां पे फेयर वैल्यू लिया जाता है तो उसको बोलते हैं फुल गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपने अकाउंट किया है, जहां पे फेयर वैल्यू लेते हैं तो वहां बोलते हैं फुल गुडविल या कैपिटल रिजर्व है, और जहां पे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी लेते हैं तो वहां पे सिर्फ वो प्रपोर्शनेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व है। यहां पे आपको वैसा नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पे उसने फेयर वैल्यू जो है वो 84 है ना, ज्यादा दिया है। अगर आप 75 फेयर वैल्यू लेते तब आपको वैसा दिखता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जानकारी के लिए लिख के बताऊं, यहां अगर मैं 75 लेता फेयर वैल्यू, ये क्या प्रोपोर्शन में आ गए, जिस प्रोपोर्शन में मैंने कीमत चुकाया ना कंट्रोलर ने एक्वायरर ने वही, तो यहां पे ये होता था 25, तो ये 25 यानी फुल गेन कहलाता था फिर, ये फुल गेन, और ये जो 20 है ये प्रोपोर्शनेट गेन है, प्रोपोर्शनेट टू पैरेंट, यानी ये पैरेंट का हिस्सा ऐसा रहता है। तो ये जो दो अल्टरनेटिव है, एक में फुल गेन या फुल गुडविल और दूसरे में प्रोपोर्शनेट गेन या प्रोपोर्शनेट गुडविल, लेकिन वो वैल्यू में फर्क आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसकी जो फेयर वैल्यू है वो प्रोपोर्शनेट से ज्यादा फेयर वैल्यू है। एक्चुअली 75 की फेयर वैल्यू होना था, हमने 80% शेयर 300 में खरीदे तो 20% 75 में आना चाहिए, है ना, लेकिन वहां 84 है, इसीलिए आपको फर्क है। बट क्वेश्चन ये मैं आपके जानकारी के लिए बताया, लेकिन आपने क्वेश्चन में जो फेयर वैल्यू दी रही उसी को लेने का, उसको बदलने का नहीं है। पर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दी रहती तब आप इसका इस्तेमाल करो, तब आप ये तरीके का इस्तेमाल करो फेयर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक।